गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉल्यूम आ रही है ना? वॉल्यूम आ रही है ना मेरी आपके पास? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स देखो, हमारा चैप्टर चला था किसके बारे में? माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। ठीक है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? क्या लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वही क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? क्या मैम आवाज नहीं आ रही? मैं से बोलूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। यस मैम। मैम होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक बार शुरू से एंड तक देख लो। हमने इस चैप्टर में पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, उसमें जो जीव होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ जीव होते हैं जिनकी स्मॉल साइज होती है, कुछ जीव होते हैं जिनकी बिग साइज होती है। ठीक है, कुछ जीवों को तो हम अपनी नेकेड आई से देख पाते हैं। यस या नो? जैसे बफेलो है, एलिफेंट है, लायन है, इनको तो क्या करते हैं हम अपनी नग्न आंखों से देख पाते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। तो ये बताओ, उन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और उसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम क्या करते हैं? उन सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। ठीक है, जैसे सेवाल है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, ये सारे क्या है? सूक्ष्म जीव है जिनको हम नेकेड आई से तो नहीं देख पाते, लेकिन एक जो सूक्ष्मदर्शी आती है, माइक्रोस्कोप आता है, उसमें हम उसको जूम करके देखते हैं तो वो हमें आराम से अच्छे से दिखाई देता है। इसके बाद मैंने एक बड़ा और पढ़ाया था माइक्रोबायोलॉजी। क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी? व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। तीन तीन बार रिपीट करवा दी ये टॉपिक मैंने आप लोगों को। देखो, माइक्रोबायोलॉजी का मींस होता है जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। या बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी तमन्ना लूट करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रकार पढ़े कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने बेसिकली 5 टाइप्स के पढ़े हैं। बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है एंड वायरस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? एल्गी यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर? दोनों। वेरी गुड।
जो एल्गी होते हैं, जो सेवाल होते हैं, वो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं, और उनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, एक्वाटिक इन नेचर, यानी ये जलीय जो आवास होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ये तो क्या था हमारा एल्गी। इसके बाद हमें पढ़ा प्रोटोजोआ के बारे में, तो ये बताओ प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार का होता है। इसके बाद हमने वायरस के बारे में पढ़े, ठीक है, और उनकी जो शेप होती है उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी जो माइक्रोबायोलॉजी है, जीव विज्ञान की जो शाखा है, ठीक है, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके बारे में बताया। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए, कौन कौन सी ईयर्स में आए, वो सभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से वैज्ञानिक की, रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, ध्यान से समझना, इनमें से क्वेश्चन 100% बनते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम होगी ना 8, उसमें क्वेश्चन जरूर बनेंगे इसमें से। तो फर्स्ट वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में यानी 1665 में किसके बारे में बताया था, ऑब्जर्व कॉर्क सेल्स बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटाजोआ यूजिंग हिज ऑन द माइक्रोस्कोप। यानी हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 के अंदर एक जो कॉर्क सेल होती है उसके अंदर बैक्टीरिया और जो स्पर्मेटाजोआ होते हैं उनको माइक्रोस्कोप में किस प्रकार से देखते हैं या माइक्रोस्कोप में देखे इन दोनों जीवों के बारे में बताया था। तो आप लोगों को कोई पूछे कि वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने 1665 में बैक्टीरिया और स्पर्मेटाजोआ के बारे में बताया था, आप किसका नाम लोगे, रॉबर्ट हुक का। समझ में आ गया फर्स्ट वैज्ञानिक कौन था, रॉबर्ट हुक। इसके बाद सेकंड वैज्ञानिक आए, उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनोक। सेकंड वैज्ञानिक थे एंटोनी ल्यूवेनोक, ठीक है। उन्होंने 1676 में किसके बारे में पढ़ाया, फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोस्कोप, जो स्केच माइक्रोस्कोप होता है इनके बारे में इन्हीं वैज्ञानिकों ने बताया था। तो आपको पूछे कोई कि राइट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो आप किसका नाम लिखोगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनोक का। समझ में आ गया, ये वैज्ञानिक है, ईयर्स इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। थर्ड बात करते हैं हम लुई पाश्चर की, जो लुई पाश्चर थे उन्होंने 1857 से 1859 में हमारे जो फ्रेगमेंटेशन जो किण्वन होते हैं, किण्वन जो प्रोसेस होते हैं उनके बारे में बताया था। तो 1857 से 1859 में डिस्कवर्ड 8 फ्रेगमेंटेशन इज कॉजेज बाय ईस्ट यानी फंजाई। जो वैज्ञानिक आए थे हमारे थर्ड नंबर पे कौन थे, लुईस पाश्चर। उन्होंने 1857 से लेकर 1859 के बीच जो हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी जो किण्वन प्रोसेस होता है, इसके बारे में बताया था। और ये किस में होता है, ईस्ट यानी फंजाई के अंदर। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो ये होता है फंजाई के अंदर। तो ये तीनों वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 के अंदर बैक्टीरिया और स्पर्मेटाजोआ में माइक्रोस्कोप में किस प्रकार से देखा था उसके बारे में बताया था। इसके बाद सेकंड वैज्ञानिक आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनोक, उन्होंने 1676 में किसके बारे में बताया, स्केच माइक्रोस्कोप के बारे में बताया। इसके अलावा थर्ड नंबर के वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर,
उन्होंने 1857 से 1859 में हमारे जो फ्रेगमेंटेशन यानी जो किण्वन प्रक्रिया होती है उनके बारे में बताया, और ये किसमें होती है, ईस्ट यानी फंजाई के अंदर। इसके बाद फोर वैज्ञानिक की बात करती हूँ। हमारा जो फोर वैज्ञानिक था वो था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच उन्होंने 1882 के अंदर जैम थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है, इन्होंने जो डिजीज के लिए जो थ्योरी थी उनके बारे में बताया। फोर नंबर के वैज्ञानिक थे हमारे रॉबर्ट कोच। इन्होंने 1882 के अंदर जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज होते हैं, ठीक है, विभिन्न जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कीटाणुओं से, उस थ्योरी के बारे में बताया कि आप जैसे गंदगी वगैरह रखते हो तो उससे ये बीमारी फैलती है, मलेरिया होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो बीमारियां थी उनके बारे में 1882 में रॉबर्ट वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बाद मैं 5 नंबर का एग्जांपल लेती हूँ, और 5 नंबर के जो वैज्ञानिक थे वो थे हमारे इसके बाद एक वैज्ञानिक आए क्रिश्चियन ग्राम। एक वैज्ञानिक आए रॉबर्ट हुक के बाद क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने 1884 के अंदर डेवलप ग्राम टेक्निक, यानी जो ग्राम के लिए जो टेक्निक थी उसके बारे में बताया, ठीक है। तो आप लोगों को कोई पूछे कि ग्राम जो टेक्निक थी उसके बारे में किसने बताया था, आप लोग बोल सकते हो क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में इस टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम बात करते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। छठे नंबर के वैज्ञानिक थे हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने किसके बारे में बताया, हमारे 6 नंबर के वैज्ञानिक थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, 6 नंबर के वैज्ञानिक आए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने किसके बारे में बताया, बताओ। उन्होंने बताया कि जितने भी जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो भी जितने भी कीटाणु विषाणु वगैरह आते हैं उनके बारे में इस वैज्ञानिक ने बताया। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम यानी गेहूं के अंदर क्या किण्वन होता है, अलग अलग जो भी हमारे ग्राम है या फिर हम बात करते हैं जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट है उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में इस वैज्ञानिक ने बताया। तो कौन सी ईयर्स में बताया, 1929 के अंदर उन्होंने बताया कि डेवलप्ड एंटी बायोटिक पेनिसिलियम फ्रॉम देखो
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1929 के अंदर एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम, ये गेहूं के अंदर होने वाले एक किण्वन क्रिया है, यानी गेहूं के अंदर जो रोग होता है ना पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, उन्होंने बताया था कि गेहूं के अंदर एक फंगस रोग होता है पेनिसिलियम नोटेटम, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि जब भी गेहूं के अंदर ये बीमारी होती है तो इसके लिए हमें कौन कौन से खाद उर्वरक या फिर किस कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी फंगस के बारे में, इन्हीं एंटीबायोटिक के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये थे हमारे वैज्ञानिक, ठीक है, जिन्होंने अलग अलग ईयर्स में अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया था, अलग अलग प्रोसेस के बारे में बताया था। और आप लोगों को ये जो टेबल है आप लोगों की हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, वो याद रखनी है कि कौन से वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैं राइट करवा देती हूँ, आप मेरे साथ राइट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सब नोटबुक निकाल लो। ये छोटा सा टॉपिक था आज का, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैम, हाँ बोलो मैम, आवाज नहीं आ रही, धीरे आ रही है आपकी आवाज। बाकी स्टूडेंटों के पास आ रही है? मैं आ रही है। मोनिका आपके पास आ रही है? मैम सबके पास आ रही है, आवाज धीरे आ रही है, आ तो रही है पर। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक थे और इन वैज्ञानिकों ने अलग अलग ईयर्स में अलग अलग कंट्रीब्यूशन बताया, ये अलग अलग चीजों के बारे में बताया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर में ये चाहती हूँ आप लोग नहीं बताओ, और आप नहीं बताओगे तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो रफ नोटबुक निकाल लो आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओबीटी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। तो राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया, राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया Write the name of bacteria that helps in the formation of curd. बताइए आप लोग, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो राइट द नेम ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम बताओ दैट हैज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही बनाने में हम काम में लेते हैं, बताओ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, जब बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तब मैंने उस बैक्टीरिया का नाम लिया था। जिन्होंने क्लास ली है उनको तो पता होगा कि वह कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी सहायता से हम दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैक्टोबैसिलस। क्या? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सहायता से हम दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपनी भाषा में हम जो घर पे बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जावन बोलते हैं ना, जावन। अपनी जो मदर से बोलती है कि जावन डाल दिया तो वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा दूध, तो उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में लैक्टोबैसिलस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लैक्टो लैक्टोबैसिलस। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ए यूज ऑफ ईस्ट, बताओ ईस्ट का यूज किसमें करते हम लोग।
जो ईस्ट होता है इसका यूज हम किसमें करते हैं, आपने कभी पढ़ा हो या कभी किसी के पास सुना हो तो? मैम इडली, राइस, होते हैं, शराब होती है, जो एल्कोहल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो देखो, तो हम बोल सकते हैं ईस्ट यूज इज यूज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट कर लेना, इन द प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल वाइन बियर एंड अदर बेवरेज, यानी ईस्ट का जो उपयोग है वह हम लोग प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के अच्छे उत्पादन के लिए, वाइन शराब के लिए, बियर, ठीक है, एंड अदर बेवरेज, अलग अलग उद्देश्यों के लिए करते हैं। लेकिन आप लोग कोई पूछे ना तो आप मेन रीजन बता सकते हो, प्रोडक्शंस ऑफ एल्कोहल वाइन एंड बियर। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो डज ईस्ट प्रोड्यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये जो ईस्ट होते हैं, जैसे हमारी बात करें हम लोग, हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो इसके दौरान क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या छोड़ते हैं और क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, जिस प्रकार से हम लोग एनिमल्स की मैं बात करती हूँ, चाहे से एनिमल्स में हम लोग या फिर एनिमल्स ले लो, कोई सा भी एनिमल्स ले लो, ईस्ट ले लो या फिर बफेलो ले लो, काऊ ले लो, कुछ भी ले लो, जितने भी एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? O2। हम देखो, हम O2 तो लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इसी प्रकार देखो, तो ईस्ट की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम CO2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो भी ईस्ट है वो CO2 गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद फोर क्वेश्चन की बात करती हूँ। फोर क्वेश्चन है, व्हाट आर द पैथोजेंस, What are the pathogens? Write another name of pathogens. पता है क्या किसी को pathogens को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोगजनक, ठीक है, तो व्हाट इज द पैथोजेनिक, तो रोगजनक किसे कहते हैं बताओ? तो हम बोल सकते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनसे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं, यानी डिजीज होने का कारण बनते हैं, उसको हम बोल सकते हैं
पैथोजेंस यानी रोग जनक, और इसको हम जर्म सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर राइट करो आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डिजीज। कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आर नोन एज पैथोजेंस। They are also called germs, जिसको हम germs कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गए क्वेश्चन कि what are the pathogens यानी रोग जनक किसे कहते हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमारी बॉडी में डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको हम लोग pathogens बोलते हैं। राइट अनदर नेम ऑफ द पैथोजेंस। तो उन पैथोजेन का अनदर नाम क्या है, जर्म्स। आता ना जर्म्स बोलते हैं ना, तो उनका नाम होता है जर्म्स। राइट कर लिए यहाँ तक सबने? यस मैम। यस मैम। राइट करो एक बार उसको। मैम हाँ बोलो। बोलो ठीक है। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी और स्ट्रोक माइक्रोबायोलॉजी। तो 6 वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग इयर्स के अंदर, अलग अलग वर्ष के अंदर अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में बताया, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों ने जीवाणु के बारे में बताया, कुछ वैज्ञानिकों ने डिजीज के बारे में बताया, कुछ वैज्ञानिकों ने फ्रेगमेंटेशन यानी किण्वन प्रोसेस के बारे में बताया। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अलग अलग मत रखा। इसके बाद कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे, वो आप लोगों को मैंने करवा दिए, लेकिन चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। कुछ पूछना है और आज के टॉपिक में? कुछ पूछना है क्या? नो मैम। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।